2 marks का given question है, prove that the line segment joining the points of contact of the two parallel tangents to a circle is the diameter of the circle. हमें क्या बात करना है, हमें दिया हुआ है कि let us suppose हमारे पास एक circle है, ठीक है, एक हमारे पास circle है और इसमें हमें क्या करना है, prove that the line segment joining the point of contact of two parallel tangent, दो parallel tangent, तो यहाँ पे बात आती है tangent क्या होता है, tangent ऐसा पॉइंट होता है, टेंजेंट हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करके चला जाता है, एक पॉइंट पे टच करके चला जा सकता है, इस टाइप से कहीं भी टच करके जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो यहां पे टेंजेंट क्या होगा, लेट अस सपोज हमने क्या किया कि यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसी टाइप से इसके अपोजिट में हमने क्या किया, यहां पे एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बताया, दो टेंजेंट्स बनाया, दोनों पैरेलल है, ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल है। फिर उसमें हमें क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहां से अगर हमने इसको ज्वाइन किया ऐसे 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 ज्वाइन किया तो हमें बताना है कि डायमीटर। आप तो बोलेगा सर तो दिख ही रहा है डायमीटर है, लेकिन दिख जरूर रहा है, लेकिन हमें ऐसा प्रूव करना है कि क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम मैं देता हूं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका भी नाम कुछ देते हैं लाइक पी, इसका नाम देते हैं क्यू, ठीक है, इस टाइप से हमने दे दिया। अब हमें क्योंकि प्रूव्ड करना है कि PQ जो है डायमीटर है, PQ डायमीटर तब होगा जब उसको हम लोग प्रूव कर लेंगे कि PQ जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, हो सकता है PQ ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे आकर ऐसे चला जाता हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ेगा, और जो अगर हमें पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन है तो फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं। हमें एक थ्योरम भी पता है, हमें क्या थ्योरम पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से टेंजेंट पे अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसी टाइप से हम लोग यहां पर भी बोल सकते हैं कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इतना हमें पता है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। सबसे पहले हमने यहां से इसको ज्वाइन किया है तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे ज्वाइन, इसका नाम देते हैं ओ, तो ज्वाइन लिखे ज्वाइन ओ टू पी, ओ को पी से मिलाया एंड ओ टू क्यू, ओ से क्यू को मिलाया एंड उसके साथ साथ इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, इसका लेट अस सपोज पी क्यू, इसका नाम देते हैं टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंड ओ टी पैरेलल टू ए पी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए पी, या फिर डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूं ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। इसमें क्या था, ये दोनों तो पैरेलल था ही, एक हमने लाइन यहां से ड्रॉ किया जो कि इसके पैरेलल है, और अगर इसके पैरेलल है और ये दोनों पहले से पैरेलल था तो मतलब तीनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उसी के बारे में हमने यहां पे लिख लिया है। नाउ अब हम लोग इसका प्रूफ करने चल रहे हैं, प्रूफ क्या होगा उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री चाहिए, स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्योंकि ए लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल टी ओ पी, अच्छे से देखेंगे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल टी ओ पी, दोनों का अगर हम लोग सम करें, अगर इसका सम करें और इसका सम करें, ऐसे देखोगे, अगर हम लोग क्या करें, इन लोग दोनों का सम करें, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ऐसे स्टेप से पैरेलल लाइन है, तो इसको अगर पैरेलल लाइन ऐसे भी करते हैं तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो दोनों का क्या होगा सम, 180 डिग्री। आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों पैरेलल है ना, तो या तो आप ऐसे करके देखो या फिर ऐसे करके देखो, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और हमें पता है एपीओ जो है हमारा वो 90 डिग्री है प्लस एंगल टीओपी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम लोग एंगल टीओपी निकालें तो 180 डिग्री इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 90 हमारे पास कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, है ना। टीओपी कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर उसी टाइप से अगर हम लोग इसमें चलें तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली, आप करना चाहो तो पूरा कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहां इसी टाइप से लिख रहा हूं, क्योंकि एक में हमने देखा तो टीओपी जो हमारा आया वो कितना आया, 90 डिग्री। उसी टाइप से टीओक्यू हम लोग बोल सकते हैं, एंगल टीओक्यू, वो भी कितना आएगा हमारा, 90 डिग्री आएगा,
नाउ क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री आया है, ये हमारा 90 डिग्री आया है, नाउ हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ क्यू। अच्छे से देखेंगे, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री हमने लाया है टी ओ पी प्लस टी ओ क्यू भी हमने लाया है 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री तभी हो सकता है जब एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हेंस पी ओ क्यू, हेंस पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड हेंस हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और यही हो गया हमारा प्रूवमेंट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस टाइप से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर नए कॉन्सेप्ट के साथ।